सब्सक्राइब कीजिए इसे टेक हिंदी चैनल को, बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो एवरीवन, ऐसा टेक हिंदी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ 5 अमेजिंग कूल एप्लीकेशन के बारे में। दोस्तों, ये जो सारे ऐप हैं आपके लिए बहुत ही यूजफुल होंगे आपके फोन को कस्टमाइज करने के लिए और आपके फोन को न्यू लुक देने के लिए। सारे ऐप बहुत ही मजेदार ऐप है, तो इस वीडियो को लास्ट तक का जरूर देखें। दोस्तों, वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक शेयर और कॉमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, जो सबसे पहला एप्लीकेशन है क्विक स्वाइप। दोस्तों, अगर आप इस एप्लीकेशन को अपने फोन में इंस्टॉल करते हैं तो आपके फोन को और भी अच्छा लुक दे देता है और आपको अपने फोन में से कोई भी ऐप को ओपन करने में बहुत मदद करता है। दोस्तों, इसको इंस्टॉल करने के बाद कुछ परमिशन मांगता है और ये जो है आपके फोन में एक्टिवेट हो जाता है। अगर आप इसके फंक्शन को जानना चाहते हैं तो आपको नीचे में जो है ऊपर से ऊपर की ओर स्लाइड करना पड़ेगा। इस तरह से देख सकते हैं, यहाँ पे एक पॉपअप सा खुल जाएगा, ठीक है, जहाँ पे आपको बहुत सारा ऐप आपको मिल जाएगा जो आपके फोन के अंदर में है और आप डायरेक्टली यहाँ से इसको ओपन कर सकते हैं। और इस ऐप में एक और भी फैसिलिटी है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो एक साइड में जो है यहाँ पर एक आपको बटन मिल जाता है, ठीक है। अगर आप इधर स्लाइड करेंगे तो आप अपने बैकग्राउंड में ऐप को जो है आप अपने फोन के रैम को जो है फ्री कर सकते हैं, उसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। देख सकते हैं मैंने साइड में किया, यहाँ पे लिख रहा है 140 MB रैम जो है वो फ्री हो गया मेरा। दोस्तों, इसके बाद जो दूसरा एप्लीकेशन है उसका नाम है स्पाइडोमीटर लाइट। दोस्तों, ये एप्लीकेशन बहुत ही यूजफुल एप्लीकेशन है। कैसे यूजफुल मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए अगर आप कहीं ट्रेवल कर रहे हैं बस में या ट्रेन में, अगर आपको बस या ट्रेन की स्पीड को जानना है, या मान लीजिए आप साइकिल चला रहे हैं आपको जानना है कि आप साइकिल कितने की स्पीड में चला रहे हैं या फिर आप कितने किलोमीटर तक गए, या फिर आप कहीं पैदल जा रहे हैं तो आपको जानना है कि आप पैदल चल रहे हैं कितनी स्पीड में चल रहे हैं, कितने किलोमीटर तक आए हैं, क्या आपको पूरा डिटेल जानना है, तो आप इस एप्लीकेशन की मदद से जान सकते हैं। दोस्तों, जब आप इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको जीपीएस को अपने लोकेशन को अपने फोन में इनेबल कर लेना है, ठीक है। जब आप फर्स्ट बार जब ओपन करेंगे तो यहाँ पे जो है आपको ब्लू बटन नहीं दिखेगा और यहाँ पे आपको सर्च होगा, ठीक है। तो आप समझ जाइए कि ये जो अभी आपका कनेक्ट नहीं हुआ है, थोड़ा सा आपको टाइम लगता है इस एप्लीकेशन को कनेक्ट करने में, लेकिन जब आपका फोन में एक बार जब ये कनेक्ट हो जाएगा तो फिर आप कभी भी ओपन करेंगे तो वो तुरंत कनेक्ट ले लेगा। जब कनेक्ट हो जाता है तो इसके बाद क्या है कि यहाँ पे आपको ऑन का बटन मिल जाता है, ठीक है। तो ऑन का बटन क्या है कि अगर आप चाहते हैं कि आप मैक्सिमम स्पीड, एवरेज स्पीड और डिस्टेंस को अगर टाइम अगर आप जानना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, इस ऑन वाले बटन को क्लिक करना होगा। इसके बाद आप देख सकते हैं आपका जो सारा फैसिलिटी है यहाँ से ऑन हो जाता है। इसके बाद अगर आप बाइक पे या साइकिल पे या फिर बस में या ट्रेन में कहीं पर भी रहेंगे या पैदल चलेंगे तो ये जो मीटर है चलने लगता है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये किस तरह से काम करता है। मैं अभी पैदल चलने वाला हूँ, मेरी आवाज़ आपको सुनाई नहीं देगी। जैसा कि अभी आप देख रहे थे कि जो हम मैं चल रहा था तो यहाँ पे स्पीड बता रहा था। तो अगर आप अपने मैक्सिमम स्पीड या एवरेज स्पीड को जो है रीसेट करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, ऑफ पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे रीसेट पे क्लिक कर देंगे तो आपका जितना भी डाटा है वो आपका रीसेट हो जाएगा। तो ये दोस्तों बहुत ही यूजफुल एप्लीकेशन है, आप इसे जरूर से ट्राई कीजिएगा। दोस्तों, जो तीसरा एप्लीकेशन है उसका नाम है फौजी। दोस्तों, इससे जो है आप 3D फोटो क्लिक कर सकते हैं। 3D फोटो का मतलब क्या हो मैं आपको दिखा देता हूँ। आप अगर गैलरी पे आएंगे तो यहाँ पे एक पहले से आपको फोटो मिल जाएगा। तो जिस तरह से देख रहे हैं मैं फोन को रोटेट कर रहा हूँ, वो उधर की ओर मूव कर रहा है। तो आप अपने फोन से जो है इस तरह के 3D फोटो आप क्लिक कर सकते हैं और उसे व्हाट्सअप या फिर फेसबुक वगैरह पे शेयर कर सकते हैं। तो आपको फोटो लेने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, टेक पे यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो है आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना है, ठीक है। इसके बाद देख सकते हैं मेरा कैमरा ओपन हो गया है, ठीक है। अगर आपको 3D फोटो लेना है तो आपको क्या करना है, कैमरे पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो है आप इसको इधर से उधर राउट करेंगे इस तरह से, ठीक है। और ये जो है थोड़ा देर के बाद जो है ये प्रोसेस करेगा। प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आपका जो 3D फोटो है वो जनरेट हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा जो फोटो है वो जनरेट हो गया, लेकिन मैं जो है बहुत अच्छे तरीके से नहीं किया हूँ इसलिए इतना खराब पिक्चर आ रहा है। अगर आप बहुत ही अच्छे तरीके से करेंगे तो आप बहुत ही अच्छे 3D फोटो बना सकते हैं। दोस्तों, जो चौथा एप्लीकेशन है उसका नाम है पेपे वॉलपेपर। अगर आप वॉलपेपर के शौकीन हैं तो ये एप्लीकेशन आपके लिए बहुत जानदार है, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारे कलरफुल वॉलपेपर मिल जाएंगे जो कि आपके फोन को बहुत ही अच्छा लुक देते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे एडजस्ट कलर, कलर वायर्स और आपको लेआउट, ठीक है, आपको बहुत सारा तमाम तरीके के आपके यहाँ पे कलर वॉलपेपर आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। दोस्तों, इसके बाद जो पांचवा एप्लीकेशन है ड्यूअल स्क्रीन। दोस्तों, ड्यूअल स्क्रीन का मतलब यह है कि ये जो है एक ब्राउजर है और बहुत ही लाइट वेट का ब्राउजर है और आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप जो है एक साथ दो टैब को आप ओपन कर सकते हैं।
मतलब यह है कि दोस्तों यहाँ पे अगर आप चाहते हैं तो एक साथ फेसबुक और यूट्यूब को भी एक साथ अपडेट कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर आप, अगर आप यहाँ पे लिख देते हैं फेसबुक, ठीक है, तो फेसबुक सर्च करेंगे तो इधर फेसबुक खुल जाएगा, अगर आप इधर यूट्यूब सर्च करेंगे तो यूट्यूब खुल जाएगा। तो इस तरह से आप यहाँ पे दो, एक साथ जो है दो वेबसाइट को यहाँ पर चला सकते हैं, या तो आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं, गूगल पर सर्च कर सकते हैं, जो भी करना चाहते हैं। तो आपको यहाँ पर जो है एक ही स्क्रीन पर जो है आप दो तरह के ब्राउज़र को चला सकते हैं। तो दोस्तों ये सारे एप्लीकेशन के लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।